नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 21 तारीख को आने वाले ईद मिलादुन के लिए मुंब्रा पुलिस ने एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। ईद मिलादुन नबी के दिन किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, इसलिए मुंब्रा पुलिस ने मुंब्रा में काफी पुलिस का बंदोबस्त किया है। उलमाओं ने भी डीजे बजाने को मना किया है। जुलूस के दौरान किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस बारे में डीसीपी स्वामी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, अभी ईद मिलादुन्नबी है जो है वो 21 तारीख को हो रही है, तो उसमें जो है वो सब लोगों का एक पीस कमेटी मीटिंग बोलो, सब जिम्मेदार जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का एक मीटिंग, पहले भी एक मीटिंग मैंने 15 दिन पहले लिया था और अभी एक मीटिंग है। तो इस मीटिंग में बस लोगों को जो है वो मैसेज देना है कि पहले भी हमने बताया था, हजरत जी से हमारी बात हो गई, उसके बाद जो है बहुत सारे यहाँ के मौलाना हैं उनसे बात हो गई, वो भी कुछ लोग मीटिंग में थे, तो सब लोगों ने बताया कि हमको जो ये जुलूस निकालना है वो जुलूस किस तरीके से निकालना है, इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट कैसी होगी, बच्चों को क्या क्या हमको सलाह देनी है, उनको क्या करना है और क्या डूज और डोंट्स जिसको बोलते हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस बच्चों थोड़े से एंथुजियास्टिक रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़्यादा शरारत कुछ हो जाती है, तो उसमें जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है इसके लिए सब बातें ये मीटिंग में बताई। मीटिंग में जो कुछ पब्लिक ने, जो जनता ने, लोगों ने जहाँ पे जुलूस में इन्वॉल्व होते हैं उन सब ने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव पे अमल करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और उस सुझाव पे अमल करके जो जुलूस जो है जुलूस को फैसिलिटेट करके अच्छे से अच्छा जुलूस निकले, जुलूस निकालने के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, ये सब बारे में ये मीटिंग हुआ है। पिछले साल भी और उसके पहले भी जुलूस देखा है, तो जुलूस में क्या है कि एग्जैक्टली हमारा एक जुलूस जो है वो बॉम्बे कॉलोनी से निकल के जो अमृत नगर तक जाता है वो जुलूस में कोई अच्छे से होता है, बट जो उधर से कुछ लोग उत्तर शिव, शिबली नगर या फिर दहीसर, अपना रशीद कंपाउंड है, जीवन बाग है, जो ट्रक्स में बच्चे आते हैं, जो यंग जनरेशन है, वो जो यंग जनरेशन है उनको कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा शरारत करते हैं, वो कुछ घोषणा देते हैं, कहीं कुछ पोस्टर फाड़ना ऐसा होता है, तो वो बच्चे ना करें। हमने जितने भी ट्रक्स के नंबर हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ट्रक्स का जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसने ट्रक जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे लीड कर रहा है, ट्रक दिया है जिसने, और ट्रक पे जो लोग बच्चे जमा कर रहा है उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो पर्सन को, तो वो जो पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करके हमने रखा है और ट्रक्स के भी नंबर है, तो उन सबको हमने यही हमारा कहना है कि आप जो है जितने भी बच्चे वो ट्रक्स में बिठा रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो ट्रक के ऊपर ना बैठे, ताकि वो अच्छे अच्छे जुलूस में कोई नीचे ना गिरे, कोई एक्सीडेंट ना हो। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी किसी के भी ऊपर टिप्पणी ना हो, किसी के भी ऊपर घोषणा ना हो, किसी का भी दिल ना दुखे, और कोई भी धार्मिक जो है वो धार्मिक टिप्पणी ना करे, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे या फिर ना बोले, घोषणा ना दे। और बहुत से बच्चे जो है वो फटाके वगैरह उड़ाते हैं, जो एक ऐसा एक रॉकेट टाइप लेते हैं उससे फटाके उड़ाते हैं, फटाके पूरे बैन है, अगर फटाके कोई उड़ा गया उसको भी ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जो डीजे नहीं लगाने के लिए बोला है। और सब बहुत मौलाना साहब जो आए थे उन्होंने भी बताया कि डीजे जो है हमने बंद करने के लिए है, डीजे हराम है, तो डीजे भी मत बजाइए, हमारा वही कहना है। बट फटाके जो है फटाके 100% कोई नहीं करेगा, उसके बाद ट्रक पे हुल्लड़बाजी नहीं करेगा, किसी के पोस्टर नहीं फाड़ेगा, कोई भी किसी का दिल दुखाए ऐसे कोई टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भाषण नहीं करेगा, ये हम सबको हमारा कहना है। अगर ऐसा दिखता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई 100% हो जाएगी, यही मेरा इसके ऊपर कहना है। और सब जो है जुलूस अगर अच्छे से निकाले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुलिस जो है वो पुलिस आपके आनंद में हमारा आनंद हम मानते हैं, तो वैसा आनंद हमको दे दीजिए। हम तो कोई मतलब फेस्टिवल जो है मनाते नहीं है, जुलूस में हम शामिल नहीं हो सकते, एज अ बंदोबस्त पार्ट करके हम शामिल होते तो एज अ बंदोबस्त पार्ट भी हमको अच्छे से करने अगर देंगे और अच्छे से जुलूस निकालेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो पुलिस जो है वो पुलिस अप्रोक्सीमेटली 350 से 400 के करीब पुलिस है, वहाँ पे बहुत सारी SRPF है, ये राइट कंट्रोल पुलिस जो रहती है वो RCP हमारे पास है, वो हर एक जगह लग जाएगी, जहाँ से देसाई नाका, उत्तर शिव, दहीसर, शिलफाटा, कल्याण फाटा, इधर शिबली नगर, उसके बाद वाई जंक्शन से लेके पूरा जो अपना रशीद कंपाउंड है, कौसा है, अमृत नगर है, उसके बाद शंकर मंदिर है, इधर दाबोलकर चौक है, बीचे अपना रेलवे स्टेशन है, जुम्मा मस्जिद है, और रेती बंदर तक वाई जंक्शन पे भी उस बहुत सारे पुलिस वहाँ पे लगने वाली है। हर एक जगह पे हम कुछ कैमरा, हम ड्रोन कैमरा हम रखने वाले हैं, तो
तो जो भी ऐसा कुछ बर्ताव करेगा वो तो पूरा कैमरे में आ जाएगा, तो कौन क्या कर रहा है, वो फायर ट्रक क्या कर बजा रहा है, वो रॉकेट टाइप लाया वो बजा रहा है, या फिर कोई हुल्लड़बाजी कर रहा है, किसी का पोस्टर फाड़ रहा है, बैनर फाड़ रहा है, वो सब उसमें आ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जुलूस में या जुलूस के बाद कोई भी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर ना हो। हमको भी कोई इच्छा नहीं है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, ना हमारी कोई ऐसी ये रहे, हमको तो आनंद से आपके जुलूस में हम भी शामिल हो जाए, ऐसा जुलूस आप निकालो। और मेरी सभी यंग जनरेशन जो है उनको यही मेरी रिक्वेस्ट है, और हजरत साहब ने भी यही बोला है कि हम जो जुलूस अच्छे से निकालेंगे, और हजरत साहब ने भी सबको यही आदेश दिए। आपने सुना डीसीपी स्वामी ने साफ कहा है कि अगर किसी ने भी कानून का उल्लंघन किया तो बख्शा नहीं जाएगा। स्वामी ने कहा कि जुलूस में निकलने वाले ट्रकों पर कमेटी का नाम, एरिया का नाम और नंबर होना चाहिए, कोई भी गलत नारेबाजी ना करे। जुलूस में पटाखे फोड़ने वालों पर सख्त नजर रहेगी, किसी भी तरह से हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए डीसीपी स्वामी ने ईद मिलादुन नबी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए मुमरावासियों से अपील की है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।